हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इसके संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म यह होता है। इसमें क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल क्यू। यहाँ पी और क्यू किसके फंक्शन है, एक्स के फलन है या अचर राशि है। इनके उदाहरण आप यहां देखेंगे, एक दो तीन, इसमें ये किसके उदाहरण है, रैखिक अवकलन समीकरण। यहां पर आप देखेंगे p का मान कितना है, एक, और q का मान कितना दिया हुआ है, साइन एक्स। यहां पर आप देखेंगे P इक्वल टू दिख रहा है आपको 1 बाय एक्स और Q इक्वल टू दिख रहा है e पावर x। यहां पर देखेंगे P इक्वल टू 1 अपॉन x log x और Q इक्वल टू 1 बाय x। क्लियर? तो आप इसका स्टैंडर्ड फार्मूला से तुलना करेंगे तो P क्यू को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दिए हुए समीकरण को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस रूप में होना जरूरी है। उसके बाद हम एक समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, इसको ज्ञात करेंगे। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, यह इसका सॉल्यूशन होगा। और यदि y के स्थान पर x और x के स्थान पर y रिप्लेस करें तो फिर दूसरे फॉर्म में भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कर सकते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि प्रश्नावली 9.6, इसमें इस अवकलन समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें p इक्वल टू है 2 और q इक्वल टू है आपका साइन x। क्लियर? तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p। इंटीग्रेशन p कितना, p कितना दिया हुआ 2 डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपने अभी हमने आपको पहले इसके पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इसमें आप फुट कर देंगे तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e की पावर 2x साइन x इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर? अब हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, या आपके इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर p इक्वल टू दिया हुआ है 3 और q इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर माइनस 2x। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं कि सबसे पहले हम इंटीग्रेट फैक्टर फाइंड करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यह हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 3 इंटू dx, तो यह हो जाएगा आपका e की पावर 3x। क्लियर? अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू if इंटीग्रेशन क्यू इंटू
आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मान रख देंगे आई एफ कितना है e की पावर 3x, इंटीग्रेशन q कितना है e की पावर माइनस 2x, और आई एफ कितना है e की पावर 3x डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स प्लस सी। तो यह ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी, y e की पावर 3x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपका p इक्वल टू है वन बाय एक्स और q इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स। तो यह आ जाएगा आपका e log x इक्वल x। अब अवकलन समीकरण का हल क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x, q कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी। तो इसका मान आ जाएगा x की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। क्लियर। तो हम यहां पर फोर को यहां ले आएंगे, फोर वाई एक्स इक्वल एक्स की पावर फोर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।